का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर प्रोग्राम का ज्ञान में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप MS Office जो एक एप्लीकेशन पैकेज है और उसके अंदर जो MS Word, Excel, Access, PowerPoint जो आता है वो सब प्रोग्राम पे आप कैसे वर्क करिएगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फॉर्म फिलअप किया है और उन लोगों के लिए भी जो MS ऑफिस के बारे में नॉलेज कुछ लेना चाहता है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। आपका जो है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के जरिए डेवलप किया गया है। ये आपका जो कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है बिल गेट्स के जरिए अनाउंस किया गया है 1 अगस्त 1988 में। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर में पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है जिसका फाइल का यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है वो .doc यानी डॉक्यूमेंट है। जिस प्रोग्राम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम लेटर टाइप करने के लिए भी कर सकते हैं। पैराग्राफ अगर लिखना चाहते हैं पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसमें एडिटिंग का भी कर सकते हैं। अगर आप अपना रिज्यूम यानी बायोडाटा बनाना चाहते हैं तो आप बायोडाटा भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बायोग्राफी लिख सकते हैं और किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट डिजाइन फॉर्मेट आपको तैयार करना है तो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करके आप रन डायलॉग बॉक्स ले आइएगा। रन डायलॉग बॉक्स लाने के बाद आपको वहां पे विनवर्ड लिख के जैसे ही आप ओके करिएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो जाए। अगर आपका इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं होता तो आप ऑल प्रोग्राम के जरिए भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करिएगा आप देखिएगा कि आपका इस प्रकार का आपका फिगर वहां पे ओपन किया हुआ रहता है। सबसे फर्स्ट आप यहां पे आ जाइए फिगर पे, हम कुछ फिगर के बारे में जान लेते हैं। यानी ये जो आपका ऑप्शन आप यहां पे देख रहे हैं इसको हम आपका ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आपका जो है ये आपका टैब हुआ। आपका जो इसके अंदर जो टैब आपका होता है दो प्रकार का टैब होता है, एक आपका एक्टिव टैब होता है और एक आपका इनएक्टिव टैब होता है। एक्टिव टैब आपका वो हुआ जिसका आपका ग्रुप या जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यानी कि जो आप देख सकते हैं वो आपका एक्टिव टैब हुआ। इन आपका जो बाकी सब जो हाइड रहता है वो सब आपका इनएक्टिव। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल ये सब जो ओपन है सबको हम ग्रुप कहते हैं। जो किसका खुला हुआ है तो होम का खुला हुआ, इसीलिए होम जो भी आपका है क्या है तो एक्टिव टैब हुआ। और इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू जो आपका है ये सब अभी क्लोज है इसीलिए आपका ये इनएक्टिव टैब हुआ। यहाँ से क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल को हम ग्रुप कहते हैं। और क्लिपबोर्ड के अंदर जो पेस्ट देख रहे हैं, कट देख रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल देख रहे हैं ये सब को हम ऑप्शन कहते हैं। और आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जितना भी देख रहे हैं ये सब को हम रिवन कहते हैं। आप देख रहे हैं हर एक ग्रुप के कॉर्नर में एक एरो टाइप का बना हुआ है जिसको हम लॉन्चर बॉक्स भी कहते हैं यानी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी हम इसको कहते हैं। नीचे में आपका व्यू बटन हुआ, इसी में आपका स्टेटस बार हो गया, यहाँ से आपका क्लोज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया और मिनिमाइज हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम टैब। एक आपका ऑफिस बटन का एक वीडियो बना हुआ है जो हम आपको नीचे में एक ऑफिस बटन पे एक वीडियो बना हुआ है जो हम डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक हम दे दिए, आप वहां से जाके आप उस लिंक पे जाके आप वहां का वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको न्यू ओपन सेव सेव जैसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वहां देख अगर आप उस वीडियो लिंक उस वीडियो के लिंक पे आप क्लिक करके आप देख लीजिए। सबसे पहले होम टैब के अंदर हम जो पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ेंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो हम लोग को ऑप्शन जो पढ़ना पड़ता है वो आपका पहला होता है पेस्ट है, फिर आपका यहाँ से कट है, फिर है कॉपी है, फिर है फॉर्मेट पेंटर।
यानी कि अगर आपको कोई भी डाटा अगर आप एक जगह से कट करके दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप कट करके आप पेस्ट करिएगा तो डाटा एक जगह से कट होके दूसरी जगह आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर आपका कोई डाटा सेम उसी का एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी का यूज करके आप इसका कॉपी और पेस्ट का सेम उसी एक और डुप्लीकेट बना सकते हैं। कहता है एक फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर के अंदर किसी भी फॉन्ट स्टाइल को आप क्या कर सकते हैं तो कॉपी करने का काम कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और आपका ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम आपका क्लिपबोर्ड रहता है, यानी कि इसका आपका वर्क रहता है क्या कि जो भी कट या कॉपी करिएगा आप इसके अंदर वो सब आपका ऑप्शन दिया हो। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कर ले रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते ही आप यहाँ पे देख रहे हैं होम टैब आपका आ गया जिसके अंदर कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और हम कोई भी वर्ड एक इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ से आए टाइप कर देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम का ज्ञान, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप किए कंप्यूटर प्रोग्राम का ज्ञान और इसके अंदर अगर आपको हम मान लीजिए कि अगर हम चाहते हैं का ज्ञान को हम नीचे में ले जाना चाहते हैं तो हम इस का ज्ञान को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे फिर जाके आप यहाँ से कट करते आप देखिएगा कि का ज्ञान आपका क्या हो गया यहाँ से कट हो गया और जिस जगह आपको ले जाना वहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाइए और जाके जैसे ही पेस्ट करिएगा आपका का ज्ञान वहाँ पे आ जाएगा। एक आपका इसी के अंदर एक आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका कॉपी नाम का ऑप्शन है, कॉपी करने के लिए पहले हम डाटा को क्या करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपने डाटा को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आप अपने बाहर कर्सर क्लिक करिए और जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है आप वहाँ पे कर्सर को लेके जाके पेस्ट जैसे ही करिएगा उसी का एक और कॉपी आपको इसके अंदर लाके दे देगा। एक आपका यहाँ पे है फॉर्मेट पेंटर, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको करने के लिए क्या करना है तो सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ से आते हैं, हम इस फॉन्ट का स्टाइल हम यहाँ से आते हैं और फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से इसका चेंज कर दिए। जैसे आप सब देख रहे हैं यहाँ पे मेरा फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो चुका है, इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ अलग है और इसका फॉन्ट स्टाइल अलग है। हम चाहते हैं इसी का फॉन्ट स्टाइल इसके अंदर आ जाए, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे इसको हम जिसका फॉन्ट स्टाइल देना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते आप देखिएगा एक अलग प्रकार का आपका जहाँ पे एरो रहता है वो अलग प्रकार का सिंबल वहाँ क्रिएट हो गया है। अब जिसके अंदर वो फॉन्ट स्टाइल देना आप उसको वहाँ से जाके सेलेक्ट करिए। आप सेलेक्ट करते ही आप कर्सर जब वहाँ से क्लिक छोड़िएगा तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम आपका जो है उसी को आपको यहाँ पे कॉपी सेम उसी का फॉन्ट स्टाइल कॉपी करके आपको दे दिया। इसी के अंदर आप जैसे यहाँ पे देखें कि आपका इसी के अंदर एक आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन था जो आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्लिपबोर्ड ऑप्शन करने के लिए आप एक यहाँ पे पड़े थे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, जैसे ही आप वहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपका एक बॉक्स लॉन्च होगा यहाँ से जिसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। यानी आप इसका यूज होता क्या है कि आप जो भी चीज़ कट या कॉपी करिएगा वो इसका रिकॉर्ड रखता है। एग्जांपल फॉर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे आते हैं और ज्ञान को हम इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आके हम इसको कॉपी कर लिए, कॉपी करते आप देखिएगा कि वो क्लिपबोर्ड के अंदर आपका वो स्टोर हो जाता है। अब इसको जब चाहते हैं आप इसको जाके पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट कर दिए। ये हमारा जो ऑप्शन रहा क्लिपबोर्ड ग्रुप के का। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ से जो हमारा मेरा ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप आपका है इसके अंदर फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हम लोगों को सबसे फर्स्ट जो पढ़ना पड़ता है फॉन्ट स्टाइल, यानी अगर आपका फॉन्ट स्टाइल के लिए कोई भी फॉन्ट स्टाइल अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट स्टाइल के जरिए आप उस लिखा हुआ स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके अंदर फॉन्ट साइज, अगर आप अपने साइज यानी जो स्टाइल आपका फॉन्ट लिखा हुआ उस फॉन्ट का साइज आपको छोटा बड़ा या इंक्रीज और डिग्री बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं आप फॉन्ट साइज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक और बात इसमें आपका रहता है कि जो फॉन्ट आपका फॉन्ट साइज और जो फॉन्ट साइज का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर आपका मिनिमम जो फॉन्ट साइज होता है 8 होता है और आपका मैक्सिमम जो होता है वो 70
टू होता है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन रह सकता है क्या कि आपका स्मॉलेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपका जो फॉन्ट साइज जो आपका रहता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर मिनिमम कितना रहता है और मैक्सिमम कितना रहता है। तो मिनिमम आपका 8 हो जाता है और मैक्सिमम आपका 72 आ जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ग्रुप फॉन्ट। ग्रुप यानी कि आप अगर अपने फॉन्ट साइज को और बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रुप फॉन्ट के जरिए अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, और सीलिंग के जरिए आप नेक्स्ट ऑप्शन है सीलिंग फॉन्ट, और सीलिंग फॉन्ट के जरिए अपने फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के जरिए आप तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप अगर ग्रुप फॉन्ट के जरिए और बढ़ाना चाहते हैं ग्रुप फॉन्ट के जरिए भी बढ़ा सकते हैं, और सीलिंग फॉन्ट के जरिए फॉन्ट साइज को आप छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है चेंज केस। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो चेंज केस आपका मिलता है 5 प्रकार का चेंज केस मिलता है। आपका पहला जो होता है सेंटेंस केस होता है, सेकेंड आपका लोअर केस, थर्ड आपका अपर केस, फोर्थ आपका डुअल केस, और फिफ्थ आपका कैपिटलाइज इच वर्ड। यानी अगर आप यहाँ आपका ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कितना या कितना प्रकार का चेंज केस होता है, तो 5 प्रकार का चेंज केस होता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आप किसी क्लियर फॉर्मेटिंग को अगर आप अपने फॉर्मेट के अंदर यानी फॉन्ट आप अपने पैराग्राफ के अंदर कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप चेंजिंग की उसको फिर से पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग के जरिए आप पहले जैसा कर सकते हैं। पहले हम जो इतना ऑप्शन देखें पहले हम इतना कर लेते हैं, आप फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सबसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कर लिए। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हम जो पढ़े थे वो आपका फर्स्ट आपका जो था फॉन्ट स्टाइल था। यहाँ से अगर आपका इसका फॉन्ट स्टाइल अगर आप बदलना चाहते हैं तो उतना आप एरिया को सेलेक्ट करिए, फिर ये आप फॉन्ट स्टाइल में जाकर इसका जो फॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हैं वो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और एक तो हम इसमें आपको एक और बताए थे कि आपका जो फॉन्ट साइज जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर जो फॉन्ट साइज होता है मिनिमम आपका 8 होता है और मैक्सिमम आपका 72 होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका मिनिमम फॉन्ट साइज 8 है और यहाँ पे मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72, तो इससे भी आप ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, पर ये जो फॉन्ट डायलॉग है इसके अंदर आपका इतना ही आपको मिलेगा। एक आपका उसके बाद है आपका इन का ग्रो फॉन्ट, फिर आपका है यहाँ पे सीलिंग फॉन्ट। ग्रो के जरिए आप अपने फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं और सीलिंग के जरिए आप अपने फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस हम बताए थे आपका 5 प्रकार का चेंज केस होता है। पहला आपका यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस केस है, सेकेंड आपका लोअर केस है, फिर है आपका अपर केस, फिर है कैपिटलाइज इच वर्ड, फिर आपका है डुअल केस। अगर आप सेंटेंस केस पे जाके क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी पैराग्राफ है वो सब सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, उसके बाद जितना भी है सब स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है लोअर केस। लोअर यानी कि आपका जितना भी वर्ड आपका लेटर लिखा हुआ रहेगा वो सब आपका स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से अपर केस है। अगर अपर कर देते हैं तो आपका जितना भी वर्ड है वो सब कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। कैपिटलाइज इस वर्ड है, हर एक वर्ड का आपका पहला लेटर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, उसके बाद जितना भी रहेगा वो सब आपका स्मॉल में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक आपका यहाँ से है आपका डुअल केस, जिसके अंदर आपका पहला लेटर आपका जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, उसके बाद जितना भी है सब कैपिटल रहेगा। ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर आप जितना भी फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज आप बढ़ा किए या छोटा किए वो सब पहले जैसा आपका, फिर जैसे एग्जांपल फॉर मान लीजिए मोबाइल में भी आपका रहता है रीसेट नाम का एक ऑप्शन, रीसेट में भी आपका दो रहता है, एक रीसेट आपका होता है, एक जो जितना भी सेटिंग आपका होता है उसके अंदर रीसेट होता है, एक आपका रीसेट करेगा पूरे डाटा को आपको। सेटिंग वाला में अगर हम जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं सेटिंग में आप जो भी चीज़ पहले से जो चेंजिंग की है वह सबसे जो भी चीज़ आप चेंजिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जैसे पहले स्टार्टिंग में था फिर से वैसा ही चेंज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है, इसका जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए थे तो इसका फॉन्ट साइज कितना था या फॉन्ट स्टाइल क्या था वो सब हमको कुछ नहीं पता। फिर से क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद जैसे आपका पहले स्टार्टिंग में था फिर से आपका वैसा ही चेंज
हो जाएगा, जो भी इफेक्ट आपने है वो सब आपका हट जाएगा, एक्सेप्ट आपका चेंज केस इफेक्ट छोड़ के आपका। अगर आप अपने डाटा को अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं, अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक यानी कुछ टेढ़ा टाइप का लिखना चाहते हैं तो आप टेढ़ा टाइप का लिख सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन आपका है अंडरलाइन, अंडरलाइन के जरिए आप अगर अपने डाटा को अंडरलाइन करके आप लिखना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन भी अपने डाटा को कर सकते हैं। फिर आपका एक यहाँ से आपका स्ट्राइक थ्रू, अगर आप अपने डाटा जो आप कोई भी डाटा लिखे हुए हैं और उस डाटा को आप अगर चाहते हैं हम भी कटिंग टाइप का बीच से मिडिल लाइन, आप किसी भी वर्ड को आप बीच से काटना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू के जरिए आप उसको बीच से कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट यानी एग्जांपल फॉर आप मानिए तो सब स्क्रिप्ट में जैसे आप टेंथ लिखते हैं या थर्ड लिखते हैं या फोर्थ लिखते हैं, जैसे हम थर्ड लिखें या फोर्थ लिखें तो टी एच जो आपका रहता है वो आपका फोर्थ के ऊपर रहता है, उस तरह से आप सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट है, जैसे कि आपका यहाँ से H2O लिखना है तो आपका जो H2O यानी वाटर H2O लिखते हैं, तो जैसे आप केमिस्ट्री में हम लोग H2O लिखते हैं, टू आपका रहता है H के नीचे रहता है, उस तरह आपका H2O दे सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट, अगर आप अपने डाटा अगर आप अपने टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। फिर कहता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अगर आप हाईलाइट कलर से चेंज करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ को हाईलाइट भी कर सकते हैं। एक हमारा आता है फॉन्ट कलर, अगर आप अपने टेक्स्ट को या कोई भी वर्ड को अगर उसमें कलर करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। इतना हम पहले देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपका बोल्ड है, जैसे कि हम इतने डाटा को हम पहले सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं हम जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे आपका जो पहले डाटा था वो पहले से कुछ अलग बोल्ड आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा है इटैलिक, जैसे कि आपका ये मैं आप पैराग्राफ बता दें, इटैलिक में आपका जो भी वर्ड रहेगा उसको इटैलिक करने के बाद कुछ पहले से कुछ टेढ़ा टाइप का लिखा जाएगा। फिर है अंडरलाइन, आपको जितने वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं आप उतने वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। आप देखते हैं आप अंडरलाइन हो चुका। अगर आप हम अंडरलाइन कुछ अलग तरह से देना चाहते हैं या डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन या कुछ अलग इस टाइप का, यहाँ से एरो पे क्लिक करके आप यहाँ से कुछ अलग अंडरलाइन आप इसमें डबल अंडरलाइनर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक थ्रू, अगर आप अपने डाटा को आपको बीच से कट टाइप का सिंबल अगर आप देना चाहते हैं तो आप कट टाइप का सिंबल भी आप दे सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू में जाके क्लिक किए आप यहाँ पे देख रहे हैं जितना हम स्ट्राइक थ्रू लगाए थे उतना तक ये कट टाइप का सिंबल दे दिया। जैसे आप सर यहाँ देख रहे हैं H2O लिखा और टू आपका रहता है जो कहाँ पे तो टेस्ट के नीचे रहता है यानी बेस में रहता है, तो आप यहाँ से सब स्क्रीन पे क्लिक करके आप उसको टू को नीचे ला सकते हैं। या टेंथ हम लिख रहे हैं तो टेंथ को आपका जो TH रहेगा वो TH ऊपर रहेगा, TH टेंथ के ऊपर रहेगा, टेंथ के ऊपर रहेगा TH, तो हम उसने डाटा को सेलेक्ट किया और जाके यहाँ से हम सुपर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपका है टेक्स्ट इफेक्ट, आप अपने टेक्स्ट को जो टेक्स्ट है आपका लिखा उसके अंदर जैसा इफेक्ट आप इसके अंदर देना चाहते हैं आप टेक्स्ट इफेक्ट के जरिए वैसा इफेक्ट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। सेट करते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट इफेक्ट आपका सेट हो चुका है। एक आपका इसी में टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, आप हम इतने वर्ड को चाहते हैं कि हम हाईलाइट कर दें तो यहाँ से आएंगे और टेक्स्ट हाईलाइट करने के बाद आप इस टेक्स्ट को किसी भी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इस फॉन्ट का इस टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज करना है उतने डाटा को आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपका हमारा फॉन्ट कलर चेंज हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके फर्स्ट वीडियो आप उसके अंदर देख सकते हैं। थैंक यू।